हेलो गाइस, वेलकम टू फिनांस कैडेट। आई एम दिव्यांशु कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी का वीडियो लेके आया हूँ। इस बार बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है। कंपनी का नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट है फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए और सेकेंड है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है CA, CMA, MCOM, BCOM। सारा फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है इस कंपनी में। टोटल नंबर ऑफ सीट 120 आई है दोनों पोस्ट को मिलाकर। तो मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, कितना एप्लीकेशन फी लग रहा है, कितना आपका सैलरी बनने वाला है, एवरीथिंग फुल्ली डिटेल में डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द PSU एग्जामिनेशन लाइक पावर ग्रिड, DVC, IWAI, PSPCA, ECIL, हुडको कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट financecareer.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज माय चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो ये नोटिफिकेशन PDF अवेलेबल है मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। तो वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको डेली वैकेंसी का अपडेट मिलेगा। साथ साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है सारा अपडेट हम लोग उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में देखते हैं। कंपनी का नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट है आपका स्पेशलिस्ट पोस्ट में, आपका फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट में वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 आई है। जर्नलिस्ट पोस्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 आई है। इन लोग बताए नहीं है कि कौन से कास्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। इन लोग ओवरऑल बता दिए हैं कि इतना कास्ट के लिए इतना नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, इन लोग स्पेशलिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 पोस्ट के लिए निकाले हैं, तो इन लोग 6 पोस्ट को मिलाकर बता दिए कि SC में आपको 15 सीट आई है, ST में 7 सीट आई है, OBC में 27 सीट आई है, EWS में 10 सीट आई है, अनरिजर्व में 41 सीट आई है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट 100 आई है स्पेशलिस्ट में। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट में। जर्नलिस्ट पोस्ट में इन लोग बता दिए कि आपके लिए 100 सीट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें SC में 15 सीट के लिए आई है, ST में 8 सीट के लिए आई है, OBC में 27 सीट के लिए आई है, EWS में 10 सीट के लिए आई है और अनरिजर्व में 40 सीट के लिए वैकेंसी आई है। और PWD का भी बता दें कि कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। तो जर्नलिस्ट पोस्ट में ये लोग सारा चीज बता दिए कि कौन से कास्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट में जो फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट का आई है, उसमें बताया नहीं कि कौन से कास्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हिसाब से कि फिनांस इन्वेस्टमेंट में कौन से पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका काउंट किया जाएगा 30 सितंबर 2024 तक आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहां पर फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है CA, CMA, BCOM विद 60% मार्क्स। फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स है मांगा गया है। और यहां पर MCOM और पास आउट है तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट में क्वालिफिकेशन मांगा गया है CA, CMA, MCOM, BCOM और पास आउट है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। सिर्फ यहां पर BCOM में पासिंग क्राइटेरिया का रखे हुए हैं कि आपका मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए। यदि आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको पास मिनिमम 60% है तो आप इस फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करिएगा तो इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। जर्नलिस्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है मिनिमम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। यानी कि आपके पास ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी
डिसिप्लिन से आपके पास ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यहां पर भी परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया, यहां पर परसेंटेज का क्राइटेरिया 60% रखा गया है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आपके पास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 60% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% मार्क्स है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। एज यहां पर मांगा गया है मैक्सिमम 30 इयर्स मांगा गया है। एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक आपके पास मैक्सिमम एज 30 इयर्स है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो रिलैक्सेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहां पर मांगा गया है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी परमानेंट एम्प्लॉय है पीएसजीआई का तो आपके लिए एप्लीकेशन फी है 250 रुपीज मांगा गया है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट है फॉर्म भरना कल से स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर 2024 से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024 तक। ये लोग बता दिए कि अब एडमिट कार्ड कब आएगा आपका एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इनका वेबसाइट पर, तो आप इनका वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। और ये लोग टेंटेटिव डेट भी बता दिए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। आपका एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी से इस कंपनी का प्रिपरेशन में लग जाइएगा। अभी से आपके पास 2 मंथ है तो आप इस कंपनी को प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecredit.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड आपका होगा इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर एग्जाम का इन लोग 75% वेटेज दिए हैं और इंटरव्यू का इन लोग 25% वेटेज दिए हैं, यानी कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 25% रखा गया है। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न इन लोग बता दिए हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स का होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश में भी पेपर आएगा, हिंदी में भी पेपर आएगा, यानी कि आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, जिसका ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 20 मिनट्स, यानी कि आपको 25 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, जो कि 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स का रहने वाला है। आपको टाइम दिया जाएगा रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मांगा पूछा जाएगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, जिसका ड्यूरेशन आपका 30 मिनट्स का रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, इसका ड्यूरेशन आपका 20 मिनट्स का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें आपको पूछा जाएगा स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर से, जो भी आपका जनरल क्वेश्चन बनता है उससे क्वेश्चन इन लोग पूछेंगे, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का रहने वाला, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपका ड्यूरेशन आपका 50 मिनट दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से इन लोग क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर नॉलेज का यहां पर आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 20 का रहने वाला है, इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 20 मिनट्स का रहेगा। एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप जो बी कॉम एम कॉम सी ए सी एम ए जो पढ़ाई किए हैं उससे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला, यानी कि आपका टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि आपको जो आप सी ए सी एम ए बी कॉम एम कॉम में पढ़ाई किए हैं उससे आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वेटेज आपका 50% अप्रोक्स कवर कर रहा है टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स आपका 250 मार्क्स का इन लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे,
तो आप 130 मार्क्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 120 प्लस कंप्यूटर नॉलेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरा वेबसाइट financecadet.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जर्नलिस्ट पोस्ट के बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट में भी सेम पेपर पैटर्न रखे हैं, इसमें सिर्फ डबल कर दिए हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि प्रीवियस स्पेशलिस्ट पोस्ट में यहां पर 25 क्वेश्चन था रीजनिंग में, यहां पर डबल कर दिए हैं, यहां पर आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे रीजनिंग से, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का रहेगा, और इसमें 30 मिनट्स ड्यूरेशन दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का रहेगा, जिसका ड्यूरेशन 25 मिनट्स आपको अलॉट किया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से आपका 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपका 200 पूछा जाएगा, यानी कि और टोटल पेपर आपका 250 मार्क्स का आने वाला है। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, प्लस इन लोग बताए हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी ये लोग पूछेंगे, जो कि आपका रहने वाला है 30 मार्क्स का, और एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 30 मिनट्स दिया जाएगा, जिसमें ये लोग पूछेंगे राइटिंग से रिलेटेड आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेटर राइटिंग से, और एसएस से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपका सेम डे ये लोग में भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा, जो कि 250 मार्क्स का रहेगा, प्लस आपका 30 मार्क्स का पेपर आपका लेटर राइटिंग और एसएस रिलेटेड भी आने वाला है। इन लोग बताए हैं कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन लोग रखे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, डिसिप्लिन रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड, आपको हर सेक्शन में आपको मिनिमम परसेंटेज स्कोर करना होगा, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर इवेलुएट किया जाएगा। ये लोग बताएं कि ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड द शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पास होना है, लेकिन अब जो मार्क्स स्कोर करिएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, उसको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको जस्ट पास आउट होना है, वो मार्क्स आपको कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन या इंटरव्यू के लिए। यहां पर निगेटिव मार्किंग है फ्रेंड, यहां पर निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecadet.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर इन लोग बता दिए हैं कि एग्जाम सेंटर आपका कहां पर रहने वाला, इन लोग सारा एग्जाम सेंटर बता दिए हैं कि आपका एग्जाम सेंटर टेंटेटिव ये सब सिटी में आपका रहने वाला है। इन लोग ऑल ओवर इंडिया कवर किए हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इस पीडीएफ को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ये पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में इन लोग 1:3 कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कि 1 सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपको 1 ईयर का रहने वाला है। गारंटी बॉन्ड ही लोग बता दिए हैं कि गारंटी बॉन्ड कौन कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, यदि आप कंपनी 5 ईयर का से पहले छोड़ते हैं, तो आपका प्रोबेशन पीरियड प्लस आपका गारंटी बॉन्ड का पीरियड आपका 5 ईयर का रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका पर मंथ 88,000 पर मंथ आपका मिलने वाला है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इनका वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद इनका कैरियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड आपको ये पीडीएफ को खुद से गो थ्रू कर लेना है। ये पीडीएफ में सारा प्रोसीड्यूर बता दिए हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, कौन कौन सा साइज में आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कैसे आप एप्लीकेशन फी पेमेंट करिएगा, एवरीथिंग स्टेप बाय बताया हुआ है इस पीडीएफ में। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इस पीडीएफ को मस्ट गो थ्रू करिएगा। ये पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये रही थी यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड में
दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 20 आई थी, और जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 100 आई थी। यदि आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स आपको मिल जाएगा। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिल करिएगा, अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट काफी ज्यादा आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट के लिए। यदि आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। यदि आप सीए सीएमए बीकॉम और एमकॉम भी पास आउट हैं तो आप फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पास शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.